मेन इश्यूज हैं वो सब एड्रेस किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में इधर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ाई है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट इधर ही कुछ दिनों में किए गए हैं और इधर ही जो है वो केसेस ज़्यादा आए, करीब 13,000 केसेस पिछले 20 दिन में आए हैं। तो उसमें जो हॉस्पिटल सिस्टम पर लोड पड़ा है वो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था कर दी है कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, वहाँ पर उनको गाइडलाइन दी जाएगी, ऑक्सीमीटर दिया जाएगा, हेल्पलाइन दी जाएगी जिससे वो बात करके जो है अपना इलाज के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन, कि आप कब लेकिन तो हो नहीं रहा सर। नहीं देखिए, लेट मी टेल यू दी अरेंजमेंट्स, देन वी विल ऑल्सो टेल यू व्हाट वी हैव डन टू मेक श्योर की अरेंजमेंट्स वो काम करें, ठीक है ना। इसके अलावा जो ऑक्सीजन, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा था। हम लोग के पास 600+ थे जम्मू में, अभी कभी बात हुई है कि आई गोइंग टू इंक्रीज देम बाई ऑलमोस्ट अबाउट 150 इन दी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। उसके अलावा जो लोग ICU में हैं उनका भी देखा जा रहा है। ये शिकायत थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्वयं नहीं जाके देखते हैं, उसके लिए भी रोस्टर्स बना दिए गए हैं। सीनियर कंसल्टेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू गो रेगुलरली एंड टू रिपोर्ट। उसके अलावा जो ऑक्सीजन का इशू था उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टेड अ परमानेंट इंजीनियर यहाँ पर जो कि फुल टाइम उस इश्यूज़ को देखता है। जो सिलेंडर्स की शॉर्टेज थी या सिलेंडर्स को रिफिल करने की प्रॉब्लम थी या लेबर की प्रॉब्लम थी, जो यहाँ के जम्मू के गैस प्लांट्स को, ऑक्सीजन प्लांट्स को शुरू कराने के लिए वी आर एग्रेसिव डेट। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जो कि उसको जो पेशेंट्स हैं उनको भी दिया जा रहा है वो नंबर, और जो भी उसकी कंप्लेंट्स आती हैं उसको तुरंत रेफर किया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो मेन कंप्लेंट्स आ रही हैं वो है ऑक्सीजन की, या ये है कि हमको मेडिकेशन नहीं मिला या टाइम से नहीं मिला, तो उसको जो कंसर्न डॉक्टर है उसको हमेशा भेज दिया जाता है। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई है कि अभी हम लोगों ने 2 हॉस्पिटल्स में उसको किया है, सीडी हॉस्पिटल में और गांधीनगर के पेशेंट्स के लिए, कि उनके मोबाइल नंबर पे जो हमारी टीम है यहाँ पर वो एक रैंडम कॉल करती है। हमने भी अभी हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने भी बहुत से पेशेंट से अभी बात किया, जो बहुत से पेशेंट्स आए थे जिनकी कंप्लेंट्स आई थी उनसे भी हमने बात किया कि आपने कल रात में कंप्लेंट करी थी 9 बजे क्या हुआ, तो वी फाउंड दैट 90% ऑफ देम पर रिजॉल्व। जो भी उनकी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर नहीं आया था या दवा नहीं मिली थी या ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही थी वो करीब करीब 90% पर रिजॉल्व है, बाकी वी आर ट्राइंग टू सी दैट दे गेट रिजॉल्व। तो हम लोग एक फीडबैक का सिस्टम भी बना रहे हैं और बिकॉज द नंबर ऑफ केसेज आर हाई सो द प्रेशर इज हाई। सर रिपोर्ट्स जो है टेस्ट किए जाते हैं, रिपोर्ट्स पहले पॉजिटिव आती हैं फिर बाद में नेगेटिव हो जाती हैं, ये बार बार जो ऐसी शिकायत आ रही है वो रिपोर्ट्स जो है टाइमली नहीं मिल पा रही है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मलेरिया ऑफिस है वहाँ पर रिपोर्ट जहाँ से मिलती है वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये के ऊपर एक जो है वो आपका पॉइंट हम नोट कर लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वाला। देखिए जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग की आप जानते हैं कि बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं, बहुत सारी मेथडोलॉजीज की अपनी एक सेंसिटिविटी परसेंटेज है और उस परसेंटेज के हिसाब से इट इज़ एबल टू पिक अप दी वेदर यू आर पॉजिटिव और वेदर यू आर नेगेटिव। तो वो डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को इस मुद्दे पे कोई बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक सिस्टम से हमारा पॉजिटिव आया, दूसरे सिस्टम से नेगेटिव आया। दूसरा आपको ये भी समझना है कि जो इन्फेस्टेशन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। आज आपको इन्फेक्शन हो सकता है ना हो, आपने कल टेस्ट कराया हो सकता है आप पॉजिटिव हो जाए। तो उसका एक वजूहत वजह जो सामने सबके सामने आ गया वो आ गया जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हमने बढ़ाए हैं, तो उससे की वजह से हम इन्फेक्शन को जल्दी जांच कर पा रहे हैं। तो जो इन्फेक्शन बाद में पता चल जाता है वो पहले पता चल रहा है, तो वो एक अच्छी ट्रेंड है। लेकिन उसके लिए अब क्या क्या कंटेनमेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमको कंटेन करना है इस इन्फेक्शन को, खासतौर से हमारे पहाड़ी इलाकों में किश्तवाड़, डोडा, रामबन, इनमें कैसे करना है, या जम्मू सिटी में कैसे कंटेनमेंट करना है, इस पर फोकस किया गया। सर साहब ने एलिगेशन की बात लग रही है कि कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का आता है उसको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाता है, बाद में टेस्ट किया जाता है फिर नेगेटिव हो जाता है, कई एलिगेशन लग रहे हैं, कई केसेस जो है सामने आए, कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। नहीं ऐसा, देखिए जो टेस्ट है तो टेस्ट जो किट बताएगा वही निकलेगा रिजल्ट, उसमें हमारा ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता है इसमें कि किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करें या नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव करें, ऐसा ह्यूमन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और सब वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के बारे में क्या? ऑक्सीजन के बारे में मैं कहूँगा, एक तो यहाँ पर 2-3 दिन तक जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसमें
उसमें कुछ टेक्निकल स्नैक आने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो गई। फिर एक ऑर्डर निकाला गया कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ राउंड द क्लॉक रहेगा जो ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई डिप ना हो। एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है क्योंकि जब एक ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो जाती है तो उस टाइम पेशेंट मरीज जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं और उनसे ज़्यादा उनके अटेंडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे मरीजों का क्या होगा, और ये जेन्युइन कंसर्न है। तो उसके उन कंसर्न्स को दूर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया। उस कंट्रोल रूम को ऑपरेशनलाइज किए हुए अभी अब एक हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने मुझे खुशी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो बाकी चीज़ें थी, सैनिटेशन की बात थी, यहाँ जो खाना मिलना चाहिए लोगों को वो थी, या जो अटेंडेंस ऑफ स्टाफ की बात है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो यहाँ स्टाफ की कुछ शॉर्टेज थी उसमें प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर रजिस्ट्रार के इंटरव्यूज किए हैं, फैकल्टी के इंटरव्यूज एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट इशू की है उसके भी आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ के भी ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो उसका भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो होम आइसोलेट लोग हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई भी फोन या कॉल नहीं आती, ऑक्सीमीटर तक उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। ऑक्सीमीटर अब डिटेल्स दे सकते हैं किस किस को दिया गया है किस किस को नहीं दिया गया है। तकरीबन जितने भी लोग होम आइसोलेशन में उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया है, लेकिन और हमारी जो टीम्स हैं ये उनको कॉल भी करती हैं। ये रिव्यू में बार बार हमारे सामने आई है बात डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से कि उनको कॉल किया जाता है जो होम आइसोलेशन में है, उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए जा रहे हैं और उनको ये पोस्टर लगाया जाता है उनके घर के बाहर और उनको देखने के लिए लोग भी जाते हैं कंटेनमेंट जोन। सर जो नारायणा हॉस्पिटल है या बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आम आदमी को जो है एडमिट नहीं किया जाता नहीं, और किया जो भी वीआईपी बीमार होता है उसको जीएमसी में नहीं आता। मेरी नज़र में कई सारे लोग ऐसे हैं जो नारायणा में चले गए और हमें पूछने के बगैर चले गए, तो उनके पास बेड्स लिमिटेड हैं नारायणा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पूछ के जाते हैं या किसी को डिविजनल कमिश्नर को पूछ के जाते हैं या डिप्टी कमिश्नर को पूछ के जाते हैं, ऐसी बात नहीं। सर कोई भी ऑफिशियल्स या कोई भी वीआईपी जो बीमार होता है वो जीएमसी में क्यों नहीं एडमिशन, वो उसका यहाँ पर क्यों इलाज आते हैं? अगर आप देखेंगे, अगर आप सही मायने में रिकॉर्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे ऑफिशियल्स जीएमसी में, सीडी हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, मैं एक आपके सामने वो शायद आप तक प्रोजेक्ट नहीं होते हैं वो केसेस, कई सारे लोग हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जो है एमसीएच हॉस्पिटल वहाँ पर लोग रहकर गए हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन रहकर गए हैं और बड़े सेटिस्फाइड तरीके से रह के गए हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स जो हैं आइसोलेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे आइसोलेशन में हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अगर चले गए नारायणा या किसी जगह चले गए उसका मतलब नहीं कि बाकी सारे लोग नारायणा चले जाते हैं। सर आने वाले दिनों में नर्सिंग होम को जो प्राइवेट नर्सिंग होम है हाँ उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कोविड पेशेंट्स के लिए? नहीं, नर्सिंग होम्स को अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो नर्सिंग होम्स में भी अगर हमको बेड्स कैपेसिटी, हमने अभी ये फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेज में ही हम बेड कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। सर लिक्विड ऑक्सीजन कब तक यहाँ पे? लिक्विड ऑक्सीजन के लिए मुझे लगता है कि 2 या 3 हफ्ते लगेंगे, उसका एक टेंडर उन्होंने फ्लोट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, तो कल उसका लास्ट डेट है, कल उसका वो अप्रूवल कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा हमको ये यकीन दिलाया है कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो लग जाएगा।